हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं फिजिक्स को आसान से आसान रूप में आपके सामने ला सकूं, सरल से सरल और थोड़ा सा कंपाइल्ड फॉर्म में ला सकूं, ताकि जो इतना बिखर गया है, इतना कहना चाहिए बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस था, उसको समेटने की कोशिश की मैंने। और उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हर यूनिट से, जिनको लेके रिस्क भी नहीं है कि यदि हमने इतने क्वेश्चन किए और नहीं आए तो क्या होगा। लगभग वो इस तरह से क्वेश्चंस हैं कि वो उसमें से आएंगे ही। और दूसरा ये कि मैंने उनमें सब में न्यूमेरिकल पार्ट भी पूरी तरीके से कवर किया। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो आपके जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट में जो आपका क्वांटम था, क्वांटम में मैंने आपको हाइजेनबर्ग वगैरह जो शॉर्ट टाइप में आते हैं उसका नहीं पढ़ाया, बट बच्चों जनरली इसका इसमें हाइजेनबर्ग का क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। सिर्फ एक यही चीज़ है जो मेरे वीडियो में नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं क्योंकि मेरे नोट्स में ऑलरेडी है। फिर जब दूसरा यूनिट आया आपका, जो कि था वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में जो आपका पहला टॉपिक था जो कि न्यूटन्स रिंग था, इसमें मैंने जो भी न्यूमेरिकल थे उन सबके वीडियोस भी अलग अलग आपको हर तरह का, यानी लैम्डा निकालना, आर निकालना, म्यू निकालना, सब तरह के न्यूमेरिकल्स कराए हैं। उसके बाद आया था क्या एम आई की भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बहुत सारे कराए हुए हैं। एम आई के बाद आया था बच्चों क्या ग्रेटिंग, और ग्रेटिंग में भी मैंने आपको लैम्डा निकलवाने के, ऑर्डर निकलवाने के कई न्यूमेरिकल्स कराए हैं। तो इसमें से तीन के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फिर आपकी कौन सी यूनिट आई थी, थर्ड यूनिट, जो कि थी क्या सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें हॉल्स इफेक्ट जो है उसके न्यूमेरिकल्स कभी कभी बनते हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा फॉर्मूला डेराइव कराया है और आपको सारी वैल्यूज भी पता हैं। तो आप चाहें तो उसमें वैल्यू रख के सिंपल से इसके आते हैं, अगर कभी आते हैं तो वैसे बहुत कम आते हैं। फोर्थ यूनिट थी आपकी कौन सी, लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स। लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल जरूर आता है, और जो आता है वो भी मैंने आपको अभी रिसेंटली ही कराया है। इसका भी न्यूमेरिकल कराया है, इसमें एन ए का कराया है, थीटा ए का कराया है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का कराया है, थीटा सी का कराया है। लगभग हर टाइप के न्यूमेरिकल कवर किए हैं। और यूनिट फिफ्थ जो थी आपकी इलेक्ट्रो डायनामिक्स, और इलेक्ट्रो डायनामिक्स में तीन चीजें हैं बच्चों। एक है क्या आपका ग्रेडियंट, एक है आपका डाइवर्जेंस, और एक है आपका क्या कर्ल। इन तीनों के भी मैं आपको बताऊं, मेरे जो नोट्स हैं उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव दिया है इनके बारे में, शायद आपको बहुत लेंदी लगे हो, तो आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन कर लें। डेफिनेशन में याद रखें, ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है तो डेफिनेशन में इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन जरूर बता दें। ये तो स्केलर क्वांटिटी ही बनती है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट इसमें शायद इसके टाइप्स दिए गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वो बता दें। और कर्ल में जो है, कर्ल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ भी इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन में चूंकि वेक्टर है तो आपको मैग्नीट्यूड भी बता दें और क्या बता दें, डायरेक्शन भी बता दें। तो इन तीनों की आप सिर्फ डेफिनेशन कर लें, और लेकिन इनके न्यूमेरिकल्स जरूर कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे इनके, ग्रेडियंट के, डाइवर्जेंस के और कर्ल के। इनके भी वीडियो मैंने उसमें आपके ऐड कर दिए हैं। तो मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है बच्चों, जिसमें मैंने इन पांचों यूनिट्स के जो आरजीपीवी एग्जाम के अकॉर्डिंग तीन तीन क्वेश्चन थे वो तो लिए हैं, लेकिन साथ में न्यूमेरिकल्स भी पूरे ऐड कर दिए हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने ये जो कहना चाहिए कंपाइल्ड पैक पूरा तैयार किया है आपके लिए, वो यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा कोर्स इसमें सिमट के आता है। ये वीडियो मुझे अलग से इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं कि कोर्स बहुत ज़्यादा है, हम उसको कैसे कंपाइल्ड करें, इसके लिए ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, और इतने जल्दी जल्दी मैंने पूरा कोर्स आपका कवर किया। तो बिल्कुल ना घबराएं, डेली एक वीडियो अगर आप ओपन करते हैं तो आप उसको सुनने की बजाय जो बोल रही हूँ उसको सीधा याद करके लिखने की कोशिश करें। और जिस तरह से मैंने कराया है कि उसमें अब चूंकि न्यूमेरिकल पार्ट भी ले लिया है तो अब आपको न्यूमेरिकल्स के लिए भी अलग से कहीं नोट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसके अलग, किसके लिए, आपको हाइजेनबर्ग के लिए जाना होगा, क्योंकि हाइजेनबर्ग जो है कि उसके बहुत ईजी से न्यूमेरिकल्स थे, वो मेरे नोट्स में थे ऑलरेडी। तो नोट्स पढ़ के ना घबराएं,
आप इन्हीं वीडियोस को देख लें, इन्हीं को अपना वो बना लें कि इतने मुझे करना है, और इसमें आपको पूरा कोर्स एक प्रकार से कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि बच्चे अब बहुत अच्छा कर पाएंगे और मेरी मेहनत जो मैंने बच्चों के साथ की है वो सफल होगी। तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पेपर बहुत अच्छा होगा। चूँकि फर्स्ट पेपर होता है इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले घबराएं बिल्कुल ना। दूसरी बात, एक मतलब बीइंग अ फैकल्टी, जो बच्चे गलती कर बता रही हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं कि अपना आई कार्ड जरूर अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि आई कार्ड जनरली आप लोग भूल के आते हैं और फर्स्ट एग्जाम में सबसे बड़ा ब्लंडर वही होता है कि आप आधे समय भटकते रहते हैं आई कार्ड के लिए। तो आई कार्ड अपना जरूर पहन के जाएं, बिल्कुल पूरे कहना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, बिल्कुल ना घबराएं और बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट सबके उज्ज्वल भविष्य के लिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके बच्चों।